अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट फूड परचेज से और हमेशा की तरह आपके लिए एक यूनिक मज़ेदार और सिंपल रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं चटपटी मटन बनानी, जिसके लिए यहाँ पर हमने 1 किलो मटन बॉईल कर लिया है, 5 से 6 अदद प्याज हमने काट लिए हैं, 2 से 3 अदद हमने टमाटर काट लिए हैं, 5 से 6 अदद हरी मिर्चें काट ली है, 2 टीस्पून हमारे पास अदरक का पेस्ट है और 2 टीस्पून हमारे पास लहसुन का पेस्ट है। मसाला जात में हमारे पास 1 चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च है और 1 चम्मच नमक है। हमने चावलों को भी बॉईल करते हुए नमक डालना है, इसलिए मसाले में हम सिर्फ 1 चम्मच नमक डालेंगे। यहाँ पर बयानी को चटपटा बनाने के लिए यहाँ पर हमारे पास 6 से 7 अदद आलू बुखारे हैं। बयानी का कलर है येलो। बिरयानी मसाला है 1 पैकेट और कुटा हुआ गरम मसाला 3 से 4 चम्मच। 1.5 चम्मच हमारे पास खुश पिसा हुआ धनिया है। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 5 ग्लास चावल है, जिनको हमने आधे घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ है। यहाँ हमने एक बर्तन में पानी उबाल लिया है, जिसके अंदर हम चावल बॉइल करेंगे। इसके अंदर हम 5 चम्मच नमक डालेंगे। एक हमारे पास कटोर क्यूब है, वो हमने डाल दिया है। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर सिंथेटिक विनेगर डाल देंगे। अब हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। इसे ढक के 5 से 6 मिनट के लिए उबलने देंगे। व्यूअर्स, जब तक चावल उबल रहे हैं, यहाँ पर हम मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर हमने 2 कप कुकिंग ऑयल ले लिया है। अब हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। तो चावल बॉईल हो गए हैं, अब हम इन्हें स्ट्रेन कर लेंगे। व्यूअर्स, हमने चावल स्ट्रेन कर लिए हैं। व्यूअर्स, प्याज फ्राई हो चुके हैं। व्यूअर्स, प्याज फ्राई हो गए हैं, हमने इसके अंदर लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। इसके अंदर टमाटर शामिल कर देते हैं। कुछ पिसा हुआ धनिया, अब इसके अंदर बटर शामिल कर देंगे। बिरयानी मसाला, गरम मसाला। अब हम इसके अंदर तकरीबन 1 कप फेंटा हुआ दही शामिल कर देंगे। इसके अंदर आप आलू बुखारा शामिल कर देंगे। हरी मिर्चें और अदरक।
अब हम तैयारी को टेस्ट लगाने की, पहली टेस्ट हम लगा चुके हैं। इसे 20 से 25 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम लगा देंगे। व्यूअर्स, हमने इसे 20 मिनट के लिए दम पर लगाया था, 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसका दम हटा देंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं बिरयानी का बहुत खूबसूरत रंग आया है। अब हम चावलों को थोड़ा सा पलटाएंगे और फिर डिश आउट कर लेंगे। व्यूअर्स, बहुत ही बेहतरीन खुशबू और रंग के साथ बिरयानी तैयार है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।